अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको हम सब की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सो आज का दिन स्टार्ट करते हैं, आज हमारा सेकंड डे इन कतर। सो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर ओके हाउ द थिंग्स विल गो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। ईद की नमाज और उसके बाद ईद की मुबारक लेने और देने के बाद हम सीधा पहुंचे रूफ टॉप पूल साइड कैफेटेरिया की जानिब, जहाँ पर बूफे का सेटअप हमारा इंतज़ार कर रहा था। नाश्ता बेहद शानदार और उसके नज़ारे उससे भी शानदार थे। आइए देखिए और एंजॉय करिए हमारे साथ। भैया नाश्ते के बाद थोड़ी इंटरटेनमेंट तो बनती थी, तो फिर हम अपने होटल के इंटरटेनमेंट लाउंज की जाने खो लिए। हैंड फुटबॉल गेम एक पट्टी पर हाथ साफ किया और बच्चों ने भी हमारे साथ खूब एंजॉय किया। तो भैया बात ऐसी है, होटल में स्टे किया, नाश्ता भी खूब टाइट किया, इंटरटेनमेंट भी कर ली, अब बचा क्या? अरे भैया इतनी गर्मी में अगर स्विमिंग पूल के मज़े ना लिए तो फिर क्या करा? सारे पैसे इसी पूल के हैं। वापस रूम में आकर कपड़े मपड़े चेंज किए और ये मेरा भाई पूल साइड पे पहुंच गए और वहाँ जाते ही डुबकी लगा दी। भाई वाह, मज़ा ही आ गया। पूल इंजॉय करने के बाद वापस रूम पहुँचे, रेस्ट किया और उसके बाद हम निकल पड़े दोहा की सड़कें नापने। रास्ते में KFC देखकर हमारी भूख चमक उठी। सबसे पहले हमें लगी है बहुत टाइट भूख, तो पहले हम कुछ खाना वाना खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हो अब्दुर्रहमान? हाँ, भूख तो बहुत टाइट लगी है, पहले खाना खाना ज़रूरी है, पहले खाना वाना खा लें, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है। KFC खाते हैं भाई, KFC क्या कहता है? सब थोड़ा आप नीचे करें उसका टाइप कीजिए। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। हेलो कैटी, अच्छा तो बात करते हैं थोड़ी सी अरब वर्ल्ड के बारे में। वेस्टर्न एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका के 19 ममालिक के मिलाप से ये अरब वर्ल्ड वजूद में आई, और इसी अरब वर्ल्ड में ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ऑयल एंड गैस की दौलत से मालामाल हैं। ये 6 ममालिक जिनमें सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं, इन्होंने अपनी एक अलग काउंसिल बनाई जो कि GCC यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के नाम से जानी जाती है। इस काउंसिल का वजूद 1981 में आया और इसका मकसद आपस में सियासी और माशी रबतों को मज़ीद मजबूत करना था। कतर जो कि रकबे और आबादी के लिहाज से GCC कंट्रीज़ में 5वें नंबर पर आता है,
लेकिन नेचुरल गैस की दौलत के मामले में ये मालामाल है। आफ्टर रशिया और ईरान, कतर दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसके पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। दुनिया के बदलते सियासी और माशी हालात ने GCC कंट्रीज को एक बात तो सिखा दी कि मियाँ अब ये ऑयल एंड गैस के ऊपर तकिया करना छोड़ो और दूसरे रिसोर्सेज ढूंढना शुरू करो। और यही वजह है कि अब GCC कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को डाइवर्स करने में लगे पड़े हैं। इसी मकसद के पेश नज़र कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए बेट किया और इसको बहुत ही कामयाबी से 2022 में होस्ट किया। इसके अलावा कतर ने रियल इस्टेट और टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। पल आइलैंड कतर का वो पहला मैन मेड प्रोजेक्ट है, जैसे दुबई में पाम जुमेरा आइलैंड है। आइए चलते हैं, थोड़े से इस आइलैंड के नज़ारे करते हैं और मज़े लेते हैं। इस आइलैंड की सबसे ख़ास बात यह है, यह कतर का पहला अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कतर ने फ्री होल्ड ओनरशिप पर ऑफ़र किया है। यानी कोई भी नॉन कतरी यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को बेस्ट मिक्स यूज डेवलपमेंट और डिज़ाइन का अवार्ड भी दिया गया है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट वाटर फ्रंट रिटेल वॉकवे है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट भी लगाया गया है। यहाँ पर टोटल रेजिडेंशियल यूनिट्स की तादाद 25,000 है और करंटली यहाँ पर 45,000 प्लस की आबादी रह रही है। ये मेलमिट आइलैंड, जिसे कतर का वेनिस भी कहा जाता है, कतर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जिसे कैपिटल सिटी दोहा में तामीर किया गया है। यहाँ का डिज़ाइन स्ट्रक्चर अरबिक एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर की बहुत ही खूबसूरत अक्कासी करती हैं। इस आइलैंड पर हर साल 15 मिलियन से ऊपर लोगों का विजिट होता है। और अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट एस्टिमेट की गई थी $2.5 बिलियन इनिशियली, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन 2018 इसकी कॉस्ट एस्टिमेट की जाती है अराउंड $15 बिलियन। लेकिन जो भी है, पैसा तो खूब लगा, लेकिन बेहद शानदार और बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कतर ने डेवलप कर दिया। Thank you.
इस ख्वाहिश के साथ कि काश ऐसे प्रोजेक्ट हमारे अपने मुल्क में भी प्लान हो और हमारी अपनी आवाम भी उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पर और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह एक दूसरे ब्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, अब्दुल्ला मलिक।